ये कैसे हुआ? ऐसे कैसे उसके बारे में कोई खबर नहीं हो सकती? तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? दादी माँ स्टडी टेबल पर हाथ पटकते हुए संजय को कहने लगी। इन सवालों से उस रूम का माहौल काफी अजीब हो गया था। मुझे सच बताओ, क्या तुमने उस बच्ची की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में उसे इस तरह हमारे पास भेज दिया? संजय के चेहरे पर उदासी दिखने लगी। मैंने आज तक किसी लड़की को टच भी नहीं किया है। शुरुआत में उसे लगने लगा था कि अनन्या उसकी सगी बेटी नहीं है। उसके बाद उसने ये भी सोचा कि ये उसके दुश्मनों की कोई नई चाल है। अगर वो इंतजार करेगा तो अनन्या की माँ खुद ब खुद सामने आ जाएगी। लेकिन 2 साल होने को आए थे, एग्जैक्टली 2 साल, लेकिन अब तक अनन्या की माँ का कोई पता नहीं लग पाया था। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अनन्या को इसलिए मित्तल खानदान में भेजा था ताकि वो अपनी फैमिली को जान पाए। मैंने टच नहीं किया, सब आदमी एक जैसे ही बोलते हैं, लेकिन आखिर में एक बच्ची है तुम्हारी, दादी माँ अपना चेहरा दूसरी ओर करते हुए कहने लगी। दादी माँ की बात सुनकर संजय को ख्याल आया कि उसके नाना ने भी सेम यही बात कही थी, जब उसके नाजायज अंकल अचानक से उनकी फैमिली में आ गए थे। वो किसी सोच में पड़ गया। वो आगे बढ़ा और उसने दादी माँ को गले लगा लिया। दादी माँ, मैं इस मामले की अच्छे से जांच पड़ताल कर रहा हूँ, मैं जल्दी इसके बारे में कुछ पता लगा लूंगा, लेकिन अगर अनन्या की माँ का कुछ पता नहीं लग पाया तो क्या तुम अनन्या को हमेशा के लिए बिना माँ के रहने दोगे और तुम्हारी शादी? दादी माँ ने झट से टॉपिक चेंज करते हुए अपने हमेशा के टॉपिक पर आ गई। मुझे लगता है अर्पिता इतनी भी बुरी नहीं है, वो सुंदर है और संस्कारी भी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि अनन्या उसे पसंद करती है, तुमने देखा नहीं पर अभी मैं जब ऊपर आ रही थी तो वो हॉल में बैठकर उसके साथ कोई गेम खेल रही थी। मैंने इतने दिनों बाद अपनी अनन्या को इतना खुलकर हंसते हुए देखा है। दादी माँ के चेहरे पर वो सोचकर स्माइल आ गई। संजय दादी माँ की बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसने दादी माँ को नहीं बताया था कि उसने वो सब कुछ देखा था जो वो उसे बता रही थी। जिन्हें वहाँ हो रहे हालातों का पता नहीं होता, उन्हें तो यही लगता कि अर्पिता ही अनन्या की माँ है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं पता मैं कब तक इस घर की मालकिन बनी रहूंगी। अगर तुम खुद के लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढोगे तो क्या तुम चाहते हो कि स्वर्णा इस घर की मालकिन बने और मेरे जाने के बाद इस घर को संभाले? जैसे ही दादी माँ ने अपनी बात खत्म की, वो अपनी कुर्सी पर से उठ गई। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम्हें मुझे छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरी सच में फिक्र है तो मेरे लिए एक बहू लेकर आ जाओ। जब दादी माँ ने अपनी बात खत्म की, वो दरवाजे के पास खड़े होकर ऊपर से चिल्लाने लगी, जो उन्हें छोड़ने जाने के लिए मदद कर रहा था। स्टडी रूम अचानक से खाली हो गया था, वहां सिर्फ संजय मौजूद था। वो दरवाजे की ओर टकटकी लगाए दादी माँ को जाते हुए देख रहा था। तभी उसके मन में कोई ख्याल आया और वो अपने सामने रखे कंप्यूटर को शुरू करने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन अर्पिता का नाजुक और खूबसूरत चेहरा दिखा रही थी। वो सोफे पर बैठे अनन्या को अपनी गोद में लिए उसके लिए संतरे छील रही थी। एक निवाला मेरा, एक निवाला तुम्हारा, वो दिल को राहत देने वाली घड़ी थी। हालांकि ये सीन 3 सेकंड के बाद ही बिगड़ गया। लिविंग रूम के अंदर स्वर्णा अपने हाथ पर बैंडेज बांधे लिविंग रूम में आ रही थी। अर्पिता खड़ी हो जाओ, मुझे यहाँ इतनी गहरी चोट लगी है और तुम्हें संतरे खाने की पड़ी है, चलो जल्दी उठो और मुझे सामने के आंगन तक छोड़कर आने में हेल्प करो। अर्पिता, जो स्वर्णा द्वारा बेवजह डांट खा रही थी, उसकी ओर देखने लगी।
तभी उसने स्वर्णा के पीछे खड़ी साक्षी की ओर देखा। पूरे दिन गायब रहने के बाद जब साक्षी घर आई थी तो उसने स्वर्णा को दर्द में देखा और उसकी ड्रेसिंग करने में हेल्प की। अगर स्वर्णा सामने वाले आंगन में जाना चाहती थी तो उसकी मदद साक्षी भी कर सकती थी, लेकिन अगर वो स्पेशली अर्पिता को बुलाने आई थी तो क्या वो ये जताना चाहती थी कि उसे वो चोट अर्पिता की वजह से लगी है? अर्पिता स्वर्णा की ओर देखने लगी। उसने अनन्या को सोफे पर बिठाया पर खड़ी हो गई। मैडम, मुझे मिस्टर संजय ने कहा है कि मैं अनन्या को एक पल के लिए भी अकेला ना छोड़ूं। मुझे डर है कि अगर मैं आपके साथ गई तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा अनन्या का बहाना बनाओगी और मैं मान जाऊंगी? स्वर्णा आगे बढ़ते हुए टेबल पर रखे उन संतरों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, मुझे याद है ये फ्रूट्स अनन्या के लिए है ना? तुम सिर्फ एक नर्स हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थी? तो अनन्या के खाने में से अपने लिए कुछ चुरा लो। अगर मैं इस मामले की जांच पड़ताल करने पर उतर आई तो तुम मित्तल हाउस में खड़ी रहने लायक नहीं रहोगी। अर्पिता स्वर्णा की ओर घूरते हुए देखने लग गई। वो फ्रूट्स भले ही अनन्या के लिए लाए गए थे, लेकिन अनन्या में ही वो अर्पिता को खिलाने के लिए जिद की थी। वो उसे मना नहीं कर पाई, इसलिए उसने थोड़ा सा खा लिया और स्वर्णा ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। बेवजह झगड़े करने से अच्छा स्वर्णा को अवॉइड करना बेटर था। अर्पिता को अच्छी तरह पता था कि स्वर्णा आगे भी अर्पिता को टारगेट करती रहेगी, इसलिए अर्पिता में अनन्या को वहाँ चुपचाप बैठे रहने के लिए कहा और वो स्वर्णा को आंगन में छोड़ने के लिए उसके साथ जाने लगी। मित्तल हाउस काफी बड़े एरिया में बना हुआ था। उस विला के अगल बगल में दाईं और बाईं ओर दो बड़े से आंगन थे। दादी माँ को शांति और हरियाली से प्यार था। जब से संजय के नाना गुजर गए थे तब से दादी माँ विला के दाएं बाएं आंगन की बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई थी और विला के बाएं वाले आंगन की बिल्डिंग में महेश और स्वर्णा रहते थे। मित्तल हाउस शहर के काफी सारे विलाओं से सबसे ज्यादा सुंदर और ग्रैंड था। मैडम, अब मेरे लिए कुछ काम नहीं है तो क्या मैं वापस जाऊं? अर्पिता स्वर्णा से जाने के लिए कहने लगी। रुको, ये तुम मुझे किस तरह का एटीट्यूड दिखा रही हो? मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो और तुम तो मेन गेट से ही जाने की बात कर रही हो। क्या तुम्हें मित्तल फैमिली ने आधा अधूरा काम करने के लिए नौकरी पर रखा है? स्वर्णा ने अर्पिता के हाथ को पकड़ा और उसे रोक दिया। ये हैरानी की बात थी, स्वर्णा किस तरह अपने नौकरों से पेश आती थी। अर्पिता स्वर्णा की ओर देखने लगी। उसके पास उसकी हेल्प करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन जब उसने स्वर्णा को अपने हाथ को पकड़ते हुए देखा, जो कि बहुत फनी लग रहा था, उससे उसकी हंसी रोकी नहीं गई। उसे तो संजय पर शक हो रहा था कि उसने ये जानबूझकर किया है। डाइनिंग हॉल इतना बड़ा था, लेकिन उसने स्वर्णा को उसी डायरेक्शन में धकेला जहाँ बाउल के बिखरे हुए टुकड़े पड़े थे। बी केयरफुल, क्या तुमने जानबूझकर किया? स्वर्णा किसी तरह आगे बढ़ते हुए अपने रूम में पहुंची। जैसे ही वो बेड पर बैठने लगी वो दर्द के मारे खड़ी हो गई। वो अर्पिता की ओर ऐसे देख रही थी मानो जैसे वो उसका कत्ल कर देगी। मैडम, आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस तरह गुस्सा ना हो जब आप इतने दर्द में हैं, नहीं तो आपके घाव पर इन्फेक्शन होने लगेगा, अर्पिता स्वर्णा को समझाने लगी।